पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्हें पंजाब का मान वधाया है, पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्हें पंजाब का मान वधाया है, देशों विदेशों की धरती ते भी पंजाबीयत का बूटा इकलाया है। बड़ी खुश हाँ अज मैं, सच्ची बड़ी खुश हाँ अज मैं चढ़दी कला टाइम टीवी दे वेड़े पंजाबी विरसे का वाग इक आया है, पंजाबी विरसे का वाग इक आया है। सत श्री अकाल जी, मैं हरदीप कौर विरक तुहाडे नाल हाज़र हाँ लैके प्रोग्राम जी आया नू। जी हाँ, साढ़े अज इस प्रोग्राम दे विच असी जी आया करते हाँ उस परिवार नू जिन्हां ने, जेकर मैं कहाँ कि जिन्हां दे साह भी पंजाबी विरसे अते पंजाबीयत दे नाल चलदे ने। जी हाँ, तुहाडे विचकार बहुता समां ना लैंदी होई मैं तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रही हाँ पंजाब दे कोयल सुरेंद्र कौर जी दी बेटी डॉली गलेरिया अगों उन्हां दी बेटी सुनैनी जी। जी आया नू जी, निघा स्वागत। सत श्री अकाल जी। मेरा सब तो पहला जिहड़ा तुहानू सवाल है कि तुसीं देशां विदेशां दी धरती दे उत्ते जिहड़ा नाम बनाया, जदों गल करदे हां असीं 1997 नवंबर दी, तां उत्ते पाकिस्तान दे विच वी जदों तुसीं अपनी पेशकारी दित्ती तां लोक अश अश कर उठे। मैं अपने दर्शकां दे नाल वी इह गल सांझी करना चाहांगी कि जदों डॉली गलेरिया जी ने उत्थे पाकिस्तान दे विच अपनी पेशकारी दित्ती तां इहनां नूं मीनारे पाकिस्तान दा खिताब मिलिया। इह सारियां जिहड़ियां चीज़ां ने इन्नी जल्दी झोली दे विच नहीं पैंदियां, बड़ी लंबी घालना घालनी पैंदी है, पर इहदे लई सब तों पहलां जरूरी हुंदा है कि इक गुरू तों जिहड़ी हैगी हैगी ज्ञान लैणा जरूरी हुंदा। अपने गुरू दे बारे जरूर दस्सो। सब तो पहला तो बच्चे मैं कहूँगी कि मेरी पैदाइश उस माँ की कुखों हुई जिहड़ी आप एक मेरी गुरु बन के इस धरती ते आई जी, और मैनू इस धरती ते लैके आई। अपने उस्ताद खान साहब अब्दुल रहमान खान की गल तो बाद विच आंदी है, पर पहला गुरु मेरी माँ सी। संगीत मैं उन्हां कोलों बह के नहीं सीखा, तू हैरान होएंगी, मैं उन्हां कोलों सुन सुन के संगीत सीखा। वो दिन रात उदियां लोरियां घोड़ियां सुहाग जिहड़े वो गांदी सी वो मैं सुन सुन के याद कीते सन। कदी ऐ नहीं सी सोचा कि इस प्रोफेशन में जाके मैं इन्हां गीतां नूं गावांगी, पर जदों खान साहब अब्दुल रहमान खान साहब मेरी जिंदगी विच आए, उन्हां ने मैनूं तालीम दित्ती, बकायदा क्लासिकल म्यूजिक दी तालीम दित्ती, और फिर इस प्रोफेशन दे विच आन दा एक हिम्मत कीती। सो यह एक बड़ा वड्डा चैलेंज सी मेरे वास्ते कि उस गुरु माँ दियां चीज़ां नू जदों मैं ऑडियंस दे सामने पेश करां ते सारे यही कहण कि ए सुरिंदर कौर दी धी है। जी बहुत वधिया जी। तो मैम ये ही सुनैनी जी तुहाडे नाल गल करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके मैम ने दसिया कि इन्हां दे गुरु हर एक बच्चे का, वैसे तो जेकर आप गल करिए माँ तो ही सब कुछ जिहड़ा अगे सीखता है, पर वड्डी गल सी कि उस शख्सियत दे बेटी हो के जिहड़े आए, क्योंकि लोग उन्हां नूं बतौर जिहड़ा हैगा पंजाब दी कोयल दे नाते जानते सी, पर इन्हां ने तो जन्म ही उत्थों लिया सी। तुसीं डॉली गलेरिया जी दे बेटी हो, तुसीं माँ तो किन्ना ज्ञान लिया, और जेकर दुनियावी गल करिए तो दुनियावी गुरु कौन? मैं बड़ी खुशकिस्मत रही हाँ कि मैं घर का पहला ग्रैंड चाइल्ड होने के नाते तो बहुता नानेमा दार जी को ही रही हाँ अपने बचपन के विच, ते नानेमा नानी माँ ते मेरे सब तो पहला लाइफ की सब तो वड्डे गुरु तो नानी माँ ही हैगे सन, क्योंकि उस वेले तो मैनू यही याद आंदा कि निक्की जी मैं ते नानेमा ने मैनू गीत भी सिखाने ते लोरियां भी गानियां, ते असी दारजी दे कमरे जाके ते उहदी पेशकारी करनी, ते फिर मैनू ढेर सारियां टॉफियां ते चॉकलेटां मिल जांदियां सन। सो एक 4-5 साल दे बच्चे नू होर की चाहिदा। सो एहसास जिहड़ा सी कि नानेमा एडे वड्डे आर्टिस्ट ने, वह तो खैर बहुत चिर बाद होया, पर नानेमा नू सिखदिआं सुनन दे विच उहनां दी वैसे गायकी सुन के, ते फिर उस तो बाद मम्मा दे नाल बैठ के ते यह एहसास नू अगे तोरना, यह एक जर्नी दे विच जे तुसी मैनू कहो कि मैं आइडेंटिफाई कराँ कि किदा किन्ना रोल है, वह मेरे वास्ते डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होएगा, क्योंकि माँ ते नानी माँ इन्हों का असर मेरे जीवन पर तो बहुत वड्डा है। जी, इस दे नाल ही डॉली मैम तुहाडे नाल गल करा, जिस तरीके कहिंदे ने कि तुसी जिहड़ा अपनी जीवन का जिहड़ा हैगा सफर शुरू किया
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੀਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਢੇਰਾਂ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਹਰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਭਗਤਨੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਾਈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਬੈਠੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਗਾਉਂਦੀ ਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗਾਉਂਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਨੇਰੀ ਝੂਮ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਓਰੀਜਨਲ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲਬਮ ਆਪਣਾ ਸੋਲੋ ਨਿਕਾਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾਣੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਲਬਮ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੀਸ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਡੋਲੀ ਗਲੇਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨੈਣੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੁਨੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਮੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਨਾਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੰਮਾ ਅਤੇ ਭਗਤਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਾਨੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਦੋ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਚੋਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਲੋਰੀ ਸੁਨੈਣੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਾਈਏ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ 75ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ 50 ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੁਨੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਜੋ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਲੋਰੀ ਲੱਕੜੇ
गाया नहीं जाता क्योंकि इंज लगता है कि माँ बोल रही है, क्योंकि ए लोरी मैं होर किसी को नहीं सुनी, अपनी माँ को ही सुनी है। और जो भी कभी गाई है, कोशिश की है गाने की, तो इतने एक नोट बन जाती। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो साढ़े लिए भी बड़ी माण वाली गल है कि चढ़ती कला टाइम टीवी पर साडे को मैम की जो स्पैशल पेशकारी है, असी तुहाडे रूबरू करने की खुशी ले रहे हैं। बहुत वधिया मैम, बहुत ही वधिया। नाल दी नाल किते ना किते इंसान जदों माँ का जिक्र चलता है इमोशनल भी हो जाता है। माँ जे आ कनशावां बूटा मैनू किधरे नज़री ना आवे, जिस तों लैके शां उदारी रब ने ये जहान बनाया। बिल्कुल। सो वक्त है जी एक ब्रेक का। प्रोग्राम जी आया नू असी इसे तरीके ही जारी रखांगे। लेंदे एक छोटी जी ब्रेक, गल्लां करांगे डॉली गलेरिया अते सुनैनी जी दे नाल। हरेक इंसान के अंदर कोई ना कोई कलाकार लुकया बैठा है। सत श्री अकाल, मैं हाँ फिल्म निर्देशक जतेंद्र सिंह जीतू। लैके आ रहे हैं थोड़े लिए एक नवे कला प्रोग्राम जिसका नाम है लाइट कैमरा एंड चक दे फटे। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा सारिया का स्वागत है प्रोग्राम जी आए नू विच। सो गल्लां बातां का सफर जारी है, तो गल करांगे हुण डॉली गुलेरिया मैम दे नाल 1997 दी। तुहाडी जिंदगी दे ओ पल जिसनों अज भी जदों याद किया जाता है तो वह बाखूब कहते ने मावां ते धीआं रल बैठियां नी माई। अज मावां ते धीआं रल बैठियां ने। पहला गीत सुना दो मैम, तो उस तो बाद वो यादा साडे दर्शकां दे नाल सांझियां करो। 1997 दी जिहड़ी तू गल कीती, वह पाकिस्तान जाण दा मौका मिलिया सी ननकाणा साहब गुरु नानक देव जी दे जन्म दिवस ते। असी ननकाणा साहब जाना सी, एक पूरा डेलीगेशन गया सी। उत्थे सारिया ने जिहड़े उत्थों दे करता तरता सन उन्होंने कहा कि एक शो जरूर करना है। ते अलहमरा कॉम्पलैक्स, अलहमरा कॉम्पलैक्स ही गद्दाफी स्टेडियम इन्हों का ओपन एयर थिएटर है। सारे पासे सिटिंग अरेंजमेंट है, तो हॉल जिहड़ा स्टेज है वो लिफ्ट उच्चा करके ते गोल स्टेज है, बिल्कुल ब्यूटीफुल प्लेस। उत्थे सानू लै गए ते कहा कि इत्थे परफॉर्म करना है। तो बैक स्टेज ते जदों पहुँचे असी स्टेज ते जान लई, ते उत्थे साडा स्वागत करन वास्ते गुलाम अली पाई जी, शौकत अली पाई, सुरैया खानम, परवेज मेहदी, इनायत हुसैन पट्टी, आरिफ लोहार, पाकिस्तान दे सारे मशहूर लोग जिन्हां नूं असी उन्हां दे संगीत तों कायल सां, वो सानू वेलकम कर रहे सन उत्थे और मैनू शाबाशी दे रहे सन कि तू माँ दा नाँ अगे लैके आई है ते नाल अपनी धी नूं भी लैके आई है, ते अज ते इत्थे परफॉर्मेंस तुहाडे तों ही शुरू करानी है। स्टेज ते जदों नैनी ते मैं पहुँचे ते पहली फरमाइश एहो आई कि मावां तियां खड़ियां हुई हैं और मैं सुनैनी दे नाल रल के एक इशारा किया कि असी मावां ते तियां वाला गीत ही गावांगे, क्योंकि मेरी माँ ने लाहौर तो 13 साल की उम्र ते रेडियो पाकिस्तान तो लाहौर तो अपना संगीत रेडियो ते गाना शुरू किया। 1943 अज मैनू मौका मिल रहा कि मैं लाहौर दे विच आके माँ का वो मशहूर गीत गावा जिहड़ा उन्हें सब तो पहला मेरी वड्डी मासी प्रकाश कौर जी दे नाल गाया सी। ते हुण मैं अपनी बेटी दे नाल उही गीत, मैं मन दे विच तार लिया कि असी उही गीत गावांगे। मैं गाने दे लफज़ शुरू किते एक निका जिहा, क्योंकि वह राग पहाड़ी दे विच है,
निक्का जिहा अलाप लैके शुरू किया तो स्टैंडिंग ओवेशन मिली, सारे लोग खड़े हो गए और 5 मिनट तालियां वजदियां रही। हाले भी मेरे कन्ना विच गूंजदी है वो गल। तो मावां ते तियां दी दोस्ती और मावां ते तियां दी गलबात सारियां दे सामने करनी मेरे वास्ते एक बहुत वड्डी गल सी। लाहौर बॉर्न हैगे ने ते डैड भी नाल हैगे सन। ते जो ए गल अनाउंस की ते फिर ते लाहौर का जिहड़ा माहौल सी ओ एन सी कि जिवें मैनूं इंज लग्गिया कि जिवें मैं नानके बैठी हुई हाँ। सो इट वॉज जी प्लीज मैं चाहूंगी मैं बस इस तो बाद नहीं गाया जाता बस। बहुत ही वधिया मैम, बहुत ही ज़्यादा वधिया। थैंक यू। सच्ची दसा मैं वो पल वो दौर नहीं देखिया, उदो कन्नी नहीं सुनिया, पर हुण जदों कन्ना दे नाल सुनिया जिथे बोल दिल दी रूह तक पहुँचे ने उत्थे ही अखां दे विच मेरे पानी आ गया। लहिंदा पंजाब साडा, चढ़दा पंजाब, वाकई दिल तो कबूल करो जी इस्लाम जी। मैम वो पंजाब तो इस पंजाब विच कोई फर्क नहीं है, साडा सभ्याचार, साडियां लोरियां, साडियां घोड़ियां सारियां इक्को ही ने जी। सो जदों उत्थे है माहौल देखिया सी उदों इस तरह ही लग्या कि अपने ही घर आए हैं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं लग्या जी। ये नाल ही मैम गल करांगी, जिन्ना कि मैनू पता लग्या कि डॉली गलेरिया किसे समय मैडिकल लाइन विच जाना चाहुंदी सी, एकदम डिफरेंट जिहड़ी लाइन किवें चूज कर ली। ऐ ते इक मजाक जिहा बन गया हुण। मामा जे डॉक्टर बन जांदे ते सारे मरीजां नूं गाने सुना सुना के ठीक कर लैंदे। मेरी डॉक्टरी ते बड़ी दूर परां रह गई, हुण मेरी डॉक्टरी निरी अपने बच्चियां दे नाल ही इहनां दे उत्ते ही मैं पूरी दी पूरी नछावर कर दित्ती। बट एक आर्मी ऑफिसर दे नाल जदों मंगनी हो गई सी, प्री मेडिकल कर रही सां ते उदों मंगनी हो गई सी, एंड एक अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हुई, आई लॉस्ट माई फादर इन लॉ। उहनां दी डैथ होण दे नाल इह होया कि मेरे मदर इन लॉ वो कल्ले रह गए, और फौज दे विच एक रूल है कि बैचलर्स जिहड़े ने वो अपने घर दे विच जिथे उन्हां दी रिहायश हुंदी है वो अपने नाल मां नूं नहीं रख सकते, अनमैरिड बैचलर्स जिहड़े ने। सो वो प्रपोजल लै आया कि शादी होएगी ते तां ही बीजी जाके कन्नू साहब दे नाल रह सकनगे। सो व्याह ही इक्को तरीका सी, सो शादी करनी पई और मेरे फादर मन गए। बट एक्चुअली जिहड़ा प्रोमिस सी वो यही सी कि डॉली पढ़ लेगी ते फिर शादी होएगी जी। पर मेरी किस्मत, मैं एक फौजी अफसर दी बीवी बनना सी ते मैनू ब्याह करना ही पिया जी, बिल्कुल। हाँ जी सुनैनी जी, हुण तुहाडे तों गल करांगे। मम्मा फौजी दी पत्नी, तुसी फौजी दी बेटी, घर दे विच कहिंदे ने जिहड़े फौजी परिवार दा जिहड़ा माहौल हुंदा बड़ा स्ट्रिक्ट हुंदा है। वैसे जेकर मैं अपने समय की गल करा तो आप जो मैडम ने गाना डॉली गलेरिया जी ने गाना शुरू किया तो उदों कुड़ियों का गाना जो बड़ा वर्जित समझा जाता सीगा, तुसी फिर फौजी पापा सी किवें गाया, किन्नी क रोक टोक रही? मैं थोड़ा पिछों स्टोरी नूं अगे लैके आनी हाँ कि मैं अपने आर्टिकल विच भी यह जिक्र किया है कि जिथे नानी माँ ते नानी मासी सुरिंदर कौर प्रकाश कौर ने अपने वेलियां दे विच
एक गुरसिख परिवार दियां तियां होने दे बावजूद भी संगीत दी तालीम बाकायदा संगीत दी तालीम लैके ते उनू रेडियो लाहौर तो अपना करियर दा आगाज कीता ते संगीत नू एक डिग्निटी दे नाल एक इन्नी खूबसूरती दे नाल ते उनू इन्ने रुतबे दे नाल उन्होंने सारी उम्र पेश कीता कि वो एक साढ़े वास्ते एक माण दी गल है। सो मम्मा ने अगे एक फौजी अफसर की बीवी होने के नाते वैसे गल दस तुम दसा डैड तो रिटायर कर्नल ने जनरल साहब तो है कल भी मैं किसी कह रही सा कि फौजी दे कार आना है वेले सर आ जाना क्योंकि फौजन बड़ी डैडी है। सो डिसिप्लिन लगता है मैं डैडी हाँ झूठ बोल रही है मैं बाद में दसांगी। सो मावा नू थोड़ा जा डाडा होना पैंदा है क्योंकि पापा लोग जेले ने ना वो बहुत दूर चले जाते ने नौकरियां दे विच ते पापा दा लाड जड़ा होंदा तियां नू बहुत विगाड़दा ते मावा टाइट करके रख दी। डिसिप्लिन दी गल करदे पे हो ते मेरे डैड जिन्ने म्यूजिकल ने शायद ही कोई मेरी सहेलियां दे विचों भी किसी दे फादर इन्ने म्यूजिकल होंगे के डैड ने सानू पुराने गीतां दे नाल इंट्रोड्यूस कीता तलत दे गीत पापा आप एडे सोहणे गाउंदे ने जगजीत सिंह दियां गज़लां मुकेश साहब दियां गज़लां ए चीज़ां जिहड़ियां ने मेरे फादर ने मैनू इंट्रोड्यूस कीतियां असीं उहनां दे नाल घर दी पार्टीज़ दे विच पापा ते मैं जगजीत सिंह दियां गज़लां बहुतियां गाउंदे हुंदे सी। सो यू नो उहनां दे नाल एक साहित्य दे नाल जुड़े रहना एक उच्चे मयार दे संगीत उच्चे मयार दी शायरी जिवें मम्मा इन्ने खुशकिस्मत सन कि नाना जी मेरे दार जी प्रोफेसर जोगिंदर सिंह सोढ़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी दे विच प्रोफेसर सन हैड ऑफ पंजाबी खालसा कॉलेज दे विच ते नानिमा नूं वी एक्चुअली सारे गीतां दी चोन करन वाले सिलेक्शन सोंग सिलेक्शन करके नानिमा नूं गीत देन वाले ओ सन। सो इत्थे ए दसना बहुत जरूरी है इस गल दा जिक्र करना भी बहुत जरूरी है कि जिवें कहिंदे ने ना कि एक आदमी दे पिछे उहदी औरत दा हत्थ हमेशा हुंदा उहदी तरक्की दे विच ते साडे केस दे विच पुश्त पुश्त दर पुश्त जिहड़ा है ओ नानिमा दे नाल दारजी खड़े सन मम्मा दे नाल पापा सारी उम्र खड़े ने मेरे नाल मेरे हसबेंड दा साथ है। सो ए अपने पार्टनर दा साथ होना तुहाडे पार्टनर नूं ए गल समझ नहीं कि तुसी एक इंडिविजुअल भी हगे हो तुहाडी अपनी भी कोई सोच है तुहाडा अपना भी कोई एक कुछ कम करन दा कुछ अचीव करन दा तुहाडी चाह हगी है ते उहनूं सपोर्ट करना है रिस्पैक्ट एक दूसरे नूं देनी बहुत जरूरी है। सो बहुत बहुत विमेन एम्पावरमेंट दी गल करदे आं अजकल सारे बड़ा रौला पैंदा है सानूं ते लगदा है विमेन एम्पावरमेंट मैं ते हुण 70 सालां दी हो गई हाँ मैं ये गल अपने दर्जी कोलों उदों दी सुनदी आ रही हाँ और उन्होंने जो विमेन एम्पावरमेंट दे विच अपना हिस्सा पाया वो सारी दुनिया अज तक माँ दे गीत याद करदी है क्योंकि उन्हां दी सिलेक्शन सारी दर्जी ने कीती सी। वो चाहते सन कि ये जड़ा आर्ट है सुरिंदर कौर दे कोल इस आर्ट नूं प्रफुल्लित होण दा एक जरिया चाहिए और सब तो हैरानगी दी गल है वे कि दर्जी MA साइकोलॉजी सन और फरीदकोट कॉलेज दे विच पढ़ांदे सन बट शादी तो बाद उन्होंने MA पंजाबी की सिर्फ माँ की खातिर लिटरेचर पढ़न की खातिर और उन्होंने दोस्ती उन्होंने जड़ा फ्रेंड सर्कल सी वो प्रोफेसर मोहन सिंह डॉक्टर हरभजन सिंह शिव कुमार बटालवी अमृता प्रीतम यहोजे लोग सन। सो एक इंटेलैक्ट बलवंत गार्गी तेरा सिंह चंद यहोजा जो सराउंडिंग थोड़े दुआले यहोजा माहौल होए हर वेले इंटेलैक्चुअल लिटरेचर दियाँ गल्लां कर रहे तो वो माहौल ही कुछ यहोजा बन गया कि वो साढ़े जिवें रग रग दे विच वस गया। उन्होंने असी तिने पैना सी मैं वड्डी पैन ते दो मेरिया छोटियां पैना दारजी ने बिठा के सानू ये कहना कि तुसी तियां हो जिहड़े लोकी कहिंदे ने ना कि पुत्तर कोई नहीं ते दारजी ने कहना तुसी मेरे पुत्तर हो पुत्तरां ते तियां दे विच कोई फर्क नहीं हुंदा यह सिर्फ अपब्रिंगिंग हुंदी है तुहानू जिंदगी दियां राइट वैल्यूज़ जिहड़ियां ने वह माँ प्यो देन ते पुत्तर ते तियां दे विच कोई फर्क नहीं और मैं चाहना कि मेरी तिने तियां जिहड़ियां ने वह दुनिया से नाम कमान। सो इस उन्हां दी सिर्फ इनकरेजमेंट सी कि मैं भी इन्नी हिम्मत कर ली ते हुण सुनैनी भी है हिम्मत कर रही है ए ते इन्नी पता नहीं किन्नी पढ़ी लिखी है मैनूं ते पता ही नहीं इहदा किन्नियां इहने डिग्रियां ते किन्ने डिप्लोमे कीते होए ने MA इंग्लिश ते बिजनेस मैनेजमेंट ते
हुन सुनैनी पैन जी डॉक्टरेट कर रहे हैं। बहुत ही वधिया जी, बहुत ही वधिया। पर मैम तुसी इत्थे एक छोटा जिहा झूठ बोल गए। मैनू लगता मेरे दर्शकों ने झूठ नहीं फड़िया, मैं फड़ लिया। जेकर तुसी सारे जानना चाहते हो कि डॉली गलेरिया जी ने की झूठ बोलिया, तो मेरे नाल बने रहो, देखते रहो प्रोग्राम जी आया नू। लेंदे एक छोटी जी ब्रेक ते तुहानू दसांगे की झूठ बोलिया मैडम डॉली गलेरिया जी ने। मटका कुल्फी आजो, मटका कुल्फी आजो, खोया कुल्फी आजो, मलाई कुल्फी आजो। वड्डे दिल दे बंदे असी, वड्डे साडे काम, खुशहाल रहंदे खुशियां वंडदे नाले करदे। किर दोबारा हो जावे सेम सॉन्ग करदे रहंदे फन। ओए आजो साडे शो ते कर लो तुसी भी फन ते मस्ती। ट्रैवल मस्ती, हां हां ट्रैवल मस्ती, ट्रैवल मस्ती, ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाड़ा सारिआं दा स्वागत है प्रोग्राम जी आयां नूं विच। मैनूं लगदा तुहानूं नहीं पता लग्गिआ मैडम ने किहड़ा झूठ बोलिआ। दसां दसां, चलो मैं दस ही दिंदी हां। तुसीं कहा तुसीं 70 सालां दे हो, सहेलियां सहेलियां इकट्ठियां बैठियां लगदे ने मैडम, लगदा है कि कितें 70 सालां दे है। ओह गल तुसीं जे टैक्निकली देखोगे, जदों लाहौर जाके कहा कि जिहड़ा जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जम्मिआ ही नहीं, तो साडा जन्म तो 1997 दा हो गया, ते असीं ते भैणा भैणा हो गए। बिलकुल बिलकुल, भैणा भैणा ने, सहेलियां सहेलियां ने, ताइयो इन्ना सोहना जिहड़ा इकट्ठे बैठ के बहुत सोहिआ। सुहाग होण चाहे उह घोड़ियां होण, साडा जिहड़ा पंजाबी सारा सभ्याचार है उन्हां नूं इन्हां ने संभाल के रख्या होया। सारी दुनिया ने तुहाडे तों गीत सुने, लट्ठे दी चादर, अंबरसरी दे पापड़ वे मैं खांदी ना, ते होर हज़ारां ही ओह गीत जो पंजाबियां दे नेड़े ने। पर जेकर मैं गल करां तुहाडे उस्ताद दी, ते तुहाडा ओह किहड़ा गीत आ जिहड़ा उन्हां नूं सब तों वधेरे पसंद है? खान साहब ने मैनूं कोई 6 साल बिल्कुल मेरे नाल मेरे घर रह के मैनूं तालीम दित्ती सी जी, और हज़ारां लखां गीत, ठुमरियां, क्लासिकल रागां दी विद्या मैं उन्हां कोलों ग्रहण कीती। सो बड़ा मुश्किल है कहना कि केड़ा सब तो वधिया गीत है जिहड़ा उन्हां ने मैनूं सिखाया। सब तो वधिया तो रहराज साहब ही सी मेरे लिए, और उस तो बाद फिर मैं कई एल्बम्स कीते गुरु जी दी कंपोजिशन दे नाल, ते उहदे चों एक एल्बम मैं हुणे बनाया जिहदे विच गुरु जी दे गीत रेनेसेंस एल्बम दे विच गाया, मैं वह सुनानी। दिल कूंज वांगू कुरलावे, नी दिल कूंज वांगू कुरलावे, नी दसो मैं की करां, मैनू आप समझ ना आवे, नी दसो मैं की करां। चढ़दी सवेरे काग उड़ावां, चढ़दी सवेरे काग उड़ावां, राती पीर दे दीवे जगावां, राती पीर दे दीवे जगावां, ना ओ आवे ना कोल बुलावे, नी दसो मैं की करां। दिल कूंज वांगू कुरलावे। जदों सुनती हाँ मैडम तुहाडे गीत इदां गाउंदे तुहानूं देखदी हाँ, किते ना किते मैं अंदर ही अंदर भुल जांदी हाँ कि मैं इंटरव्यू लै रही हाँ, मैं मंत्रमुग्ध हो जांदी हाँ, उस लह दे विच चली जांदी हाँ, क्योंकि वो जिहड़ी रूह तक जिहड़ी तुहाडी आवाज़ उत्तरदी है, सच्चे सुरां दा असर जिहड़ा है वो दिल तक जदों जांदा है ना, ते इही इही ते खूबसूरती है। एक खूबसूरती होर भी है, वीरां दीआं घोड़ियां ते मावां दीआं लोरियां, वीरां दीआं घोड़ियां ते मावां दीआं लोरियां, सच्ची गल दसा लोको जग विच ऐसियां जोड़ियां ने थोड़ियां, ऐसियां जोड़ियां बहुत घट ने। सो साडे ऐसे विरसे नूं पीढ़ी नूं
जिस तरीके अगे दर अगे चल रही है इन्हों नू वो मान सत्कार जो असी दिता है लोग गीत वर्गी इन्हों की जिहड़ी उम्र होनी है जी मैम। गुरु जी मेरे गुरु जी भी सन, मेरी माँ के भी गुरु जी सन, तो सुनैनी के भी गुरु जी सन, तो असी सारे ने उन्होंने कोलों सीख्या। पटियाला घराना के उस्ताद सन, हालांकि माँ ने लाहौर के पटियाला घराना के मास्टर अनायत हुसैन कोलों शिक्षा ली सी, तो शाम 84 घराने के नियाज हुसैन शामी उस्ताद जी कोलों लाहौर के तालीम ली सी, पर इत्थे आके दिल्ली दे विच उन्होंने अब्दुल खान साहब अब्दुल रहमान साहब कोलों तालीम ली। तो यह छोटी जी सी, तो इन्हें आके गुरु जी कोलों कुछ सीख के तो मेरे को आई, यह नानी दे घर रहिंदी सी, तो यह आई मैनू मिलने लिए, तो कहती मैं गुरु जी से कुछ सीख के आई, मामा आपको नहीं आता। मैं 5-7 साल की होवांगी तो मैं गंडा खान साहब के नाल पहला ही बन के, तो मैं शागिर्द पहला बन गई सा। सो मामा बाद विच बने ने खान साहब के शागिर्द, तो मैं अपने आप में बड़ा खुशकिस्मत समझनी हाँ कि असी गुरु भैन भी है। सुनैनी एक क्वेश्चन तुम मैं लगता औखा थोड़े तो दे नहीं, सुनैनी एक क्वेश्चन तुम मैं लगता औखा थोड़े तो दे नहीं जी, देवोगे दसो पुछो। ज्यादा सोहना कौन गाँव मम्मा या नानी मां? कैन यू चूज वन? इस गल नू मैं बड़े सादे तरीके नाल इंज समझाना उचित समझनी हाँ कि नानिमा एक ओ बोर्ड ने जिदी ठंडी मिठी छां ते परछावां मेरी माँ है, ते मैं ते एक निरा थले एक निक्का जिहा घा अपना सिर कढ के देख रहा है कि मेरे उत्ते एड्डी मिठी छां है ते एड्डे वड्डा जिहड़ा बोर्ड है ओ मेरे उत्ते बैठा है, ते मेरी हुण जिम्मेवारी बनती है कि मैं इहदियां जड़ां नूं इस तरह ही मजबूत रखा ते उहनां नूं किते रुलन ना दियां। बहुत ही वधिया जी, बहुत ही वधिया। सो सदा गूंजते रहेंगे होठां ते जुबां बन के, जिन्ना मित्र बनाए मीत बन के मेहरबान बन के, असां बिरखां दा जीवन जीन दा हुण कर लिया जिगरा, कोई कट्टे कोई पाले असां दसना है हुण शां बन के। सो पहलां सुरेंद्र कौर जी शां बने डॉली गुलेरिया लई, अगे दित्ती है डॉली गुलेरिया ने शां सुनैनी नूं, अगे सुनैनी अपनी इस पीढ़ी नूं किस तरीके नाल लैके जांदे ने ये देखना लाजमी होवेगा। पर इस दे नाल ही एक मेरा बहुत ही अहम सवाल जांदे जांदे दोनों मावां धीआं नूं, जदों पंजाबी अखाड़े लगदे ने जां जदों तुसीं अपनी परफॉर्मेंस दिंदे हो, कदे इदां होया कि परफॉर्मेंस दे चलदे चलदे जिहड़ा मन भावुक हो गया होवे? हाँ, एक हादसा याद आ गया है। लंडन शो हो रहा सी साउथ हॉल दे विच, ते 94-95 दी गल है, और सुनैनी भी नाल गई हुई सी, असी 3 जनरेशन उत्थे परफॉर्म कर रहे सी, ते एक दिन साउथ हॉल दे विच शो तीनों जनियां असी मावां तीआं ते स्टेज ते बैठियां, ते भरिया हॉल साडे सामने, और एज लक वुड हैव इट पहली फरमाइश गान तो पहला ही फरमाइश साडे सामने पई हुई सी कि मावां तीआं दी दोस्ती गाना, ते मावां तीआं दी दोस्ती माँ ने हेक लै के अपनी लंबी हेक लै के ते शुरू कीता जी। पहली लाइन गाँदे ही साढ़े को एकदम एक यहो जहा माहौल बन गया, फ्रंट रो दे विच जिन्नियां लेडीज़ ते बंदे बैठे सन, जेंट्स भी ते लेडीज़ भी, वो सारियां अथरू वगा वगा के रो रहे। मैं नैनी वल देखिया ते सुनैनी इहदे अक्खां विच अथरू, मैं इधर मामा मैं विचकार बैठी सा, मैं मामा नूं देखिया मामा भी रो रही, असीं तिन्ने जनियां ने स्टेज ते रोना शुरू कर दिता। प्रोग्राम बंद करना पिया, पानी लैके आए साढ़े लिए, असीं पानी पीता और फिर जाके 5 मिनट के बाद दोबारा शुरू किया, और माँ कह लगी ये जड़ियाँ सारिया भैन इतने अपना देश छड़ के ते वलायत जाके बैठिया ने, यह सारिया इस वेले अपनिया मावां नूं याद कर रही। सो इस गाने दे विच ओ ताकत सी, और एहो जिहा भावुक माहौल मैं दोबारा नहीं फिर देखिया, क्योंकि उदों माँ भी नाल सी। नानिमा दियां यादां ते इमोशनल ते असीं हो ही जांदे आ, पर नानिमा दियां गल्लां मतलब सवेरे उठ के अपना बिस्तरा ठीक करना, उन्हां नूं सफाई बहुत सफाई पसंद सन, सो घर दी साफ सफाई रखनी, वधिया खाना पाना गाना सारा कुछ, ए चीज़ां उन्हां दे मतलब एक जिंदगी दा अकीदा सी, ते ओ किते ना किते ओ आ जांदा है तुहाडे खून दे विच, ओ चीज़ां जिहड़ियां ने ओ वस जांदियां ने, ते बस यही सारा कुछ है जिहड़ा लगता है कि बस यही ते असी खटिया है। बहुत ही वधिया मैम,
क्योंकि माँ की जिहड़ी तालीम आ बच्चों के नज़री पैंदी है, तो नज़री आई है माँ ने जो तालीम दित्ती है अगे दी अगे जिहड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी अगे चलती आ रही है। मैं माँ बोली तो माँ बोली पंजाबी साड़ी पंजाबी सभ्याचार की जान पहचान जिहदे विच असी जन्मदे हाँ साह लैंदे हाँ गुड़ती मिलती है बच्चे नूं। तुसीं एक बहुत ही प्यारा जिहा गीत गाया, सो प्लीज़ मैं चाहूँगी साडे व्यूअर्स दे सानूं खड़को सुना नहीं मेरे नाल गई मोतियां दी आवे मोतियां दी आवे ते महक गुलाब दी मोतियां दी आवे ते महक गुलाब दी मिठी मिठी सोनी सोनी मिठी मिठी सोनी सोनी बोलिए पंजाब दी मिठी मिठी सोनी सोनी बोलिए पंजाब दी बोलिए पंजाब दी बोलिए पंजाब दी सारिया दी सांझी सारिया दी सांझी गुरु अंगद बनाइए ओ सारिया दी सांझी गुरु अंगद बनाइए बुल्ले वारिस शाह फरीद अपनाइए अपनाइए चढ़ी हुई रंगत तेनू नानक दी रबाब दी चढ़ी हुई रंगत तेनू नानक दी रबाब दी मिठी मिठी सोनी सोनी बोलिए पंजाब दी मिठी मिठी सोनी सोनी बोलिए पंजाब दी बोलिए पंजाब दी बोलिए पंजाब दी बोलिए पंजाब दी बोलिए पंजाब दी। बहुत ही वधिया जी बहुत ही वधिया। सिठनियाँ ते सुहागां दे नाल चढ़दी कला दा वेड़ा रुशनाया ए बड़ी खुशियां ना कदे भुल्लांगी ये दौर चढ़दी कला दे वेड़े पंजाबी सभ्याचार आया ए पंजाबी सभ्याचार आया ए। थैंक यू बच्चे थैंक। सो बहुत ही वधिया मैम बहुत चंगा लग्या तुहाडे नाल मुलाकात करके दिल दीआं गल्लां करके और खास तौर ते तुहाडी आवाज़ जो रूह तक उतरी है मैनूं ओह चिरा 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 तक याद रहेगी। सो सुनैनी जी मैम डॉली गलेरिया जी तुसीं अपने कीमती समें दे विच सानूं समां दित्ता असीं तुहाडी तहि दिलों धन्नवादी हां। मैनूं बहुत खुशी है अज्ज चढ़दी कला टाइम टीवी ते आ के मैं दिलों खुश हाँ। थैंक यू सो मच। चढ़दी कला टाइम टीवी दी सारी टीम नूं बहुत बहुत वधाइयां ते इस तरह ही सोहणा काम करदे रहो ते साडा साथ हमेशा तुहाडे नाल। तुसी देखते रहो चढ़दी कला टाइम टीवी चढ़दी कला टाइम टीवी चढ़दी कला टाइम टीवी। साड़ी अज की इस इंटरव्यू में जेकर तुम मुड़ तो देखना चाहते हो तो तुम देखो चढ़दी कला टाइम टीवी चैनल के सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट का चढ़दी कला टाइम टीवी प्राइम इस नूं सबसक्राइब करो लाइक करो शेयर करो। सो दोस्तों अगले हफ्ते इस समय इस चैनल पर प्रोग्राम जी आयान विच फिर तो मिलेंगे एक होर नवी शख्सियत के नाल। तद तक मैनू हरदीप कौर विर्क नूं दिओ इजाजत धन्यवाद रब रखा शब्द खैर जी आयान।